हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 10th ऑफ सितंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर जजमेंट राइटर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जिसको आप सभी लोग पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, इन्होंने 10 सितंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें जजमेंट राइटर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। और इन्होंने आपको क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कराया कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिलीज करी है जजमेंट राइटर के लिए, वो इन्होंने टोटल 33 वैकेंसी रिलीज करी है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को 1 अक्टूबर 2024 रात 12 बजने से पहले अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2024 रात 12 बजने से पहले आपको अपने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कर देनी है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारी जो इस एडवर्टाइजमेंट में 33 वैकेंसी निकाली है उनको कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अनरिजर्व्ड यानी कि यूआर कैटेगरी और जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 27 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे एससी, एसटी और बीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेमुनरेशन यानी पे स्केल के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट जजमेंट राइटर की पोजीशन के लिए सिलेक्ट होगा उस कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो कि अडॉप्ट किए हुए रूल्स होंगे ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग उसको पे और अलाउंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको पे स्केल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज अबव 21 इयर्स है और बिलो 30 इयर्स है एज पर ऑन 1st ऑफ अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, वो इनके एज क्राइटेरिया के कैटेगरी को फुलफिल करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने बीकॉम की डिग्री है, बीसीए की डिग्री है या फिर एलएलबी की डिग्री है, कोई भी डिग्री जो कि उसने 3 ईयर की कोर्स करी है
वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन कैंडिडेट को मेक श्योर करना होगा कि उसकी ग्रेजुएशन करी हुई डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, तभी वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस को यूज करने में, जैसे कि उसको वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए और उसे स्प्रेडशीट यूज करना आना चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने आपसे एडवर्टाइजमेंट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि हमारे फ्रेशर्स इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट जनरल एससी एसटी और बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो पंजाब और हरियाणा के बाहर की स्टेट का है, उस कैंडिडेट को 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी कि 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। और अगर कैंडिडेट एससी एसटी और बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो पंजाब स्टेट से बिलोंग करता है या फिर हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता है या फिर चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, उस कैंडिडेट को 800 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को भी 800 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी और हमारे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को भी 800 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एससी एसटी और बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो अपने कैटेगरी का बेनिफिट तभी ले पाएगा जब वो स्टेट ऑफ पंजाब या फिर हरियाणा या फिर चंडीगढ़ से बिलोंग करता होगा, यानी कि उसका सर्टिफिकेट इशू करा हुआ होगा स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो आपकी 35 ईयर्स की हो जाती है और हमारे बीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब है, यानी कि आपकी ये जॉब कोई टेम्परेरी बेसिस वाली जॉब नहीं है, आपकी ये सरकारी जॉब की अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप परमानेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एज अ जजमेंट राइटर के तौर पे अपॉइंट कर लिए जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट का आपको डिक्टेशन करी जाएगी 120 वर्ड्स पर मिनट के द्वारा इंग्लिश शॉर्टहैंड में, जिसको आपको ट्रांसक्राइब करना होगा कंप्यूटर लैंग्वेज में 24 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका शॉर्टहैंड का डिक्टेशन टोटल 10 मिनट्स का होगा, यानी 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में आपको शॉर्टहैंड की डिक्टेशन दी जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर उसने 5% से ज्यादा मिस्टेक करी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट्स का स्प्रेडशीट का टेस्ट होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा, उसमें भी आपको मैंडेटरी क्वालिफाई होना होगा और ये भी आपका टेस्ट 10 मिनट्स के ड्यूरेशन का होगा और इस स्प्रेडशीट के एग्जाम में आप कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे, यानी 10 मार्क्स में आपको मिनिमम 4 मार्क्स स्कोर करने होंगे तभी आपके सिलेक्ट होने के चांसेस होंगे। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। अगर आपका टेस्ट अच्छा जाता है तो आगे के लिए आपको SMS के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा आपको कम्युनिकेट किया जाएगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे कौन से टाइम पे कौन से वेन्यू पे पहुंचना है, ताकि वहां पर आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर पाए। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही आप इसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी,
जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।